मैं अब उनसे सामना नहीं चाहती, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती। अच्छी बीवियां शिकायतें नहीं करती, ये अब्बा ने लिखा था, और मैं अच्छी बीवी कहलाना चाहती हूं। गिले शिकवों के अलावा मेरे और मंसूर के दरमियान और कुछ बचा ही नहीं, उनकी और मेरी औलाद भी नहीं। तुम रोज इतने बजे सोती हो? हाँ, नहीं, कभी कभार देर भी हो जाती। तुमसे एक बात करनी थी। जी, कहिए। समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे कह नहीं पा रहे? हम ये चाह रही थी जो जेवर तुम्हें शादी पे पहनाया था वो फजीलत को दे दें। दरअसल उसकी शादी जरा बड़े घर में हो रही है, कम जेवरात दिए तो अच्छा नहीं लगेगा, उसको बातें सुनेंगे। इस सिलसिले में तुम्हारी इजाजत चाहिए थी। और मुझे ये खुशफहमी हो रही थी कि मंसूर मेरे लिए जाग रहे, मुझसे बात करना चाहते, उन्हें मेरा ख्याल आ गया। थोड़ी सी खुशफहमी तो रहने देते आप मंसूर। जवाब नहीं दिया तुमने। जो आपको रम्मी को ठीक लगे आप वही करें। लेकिन फिर भी जेवर तो तुम्हारे हैं ना? जब शौहर ही मेरा नहीं है तो फिर जेवर मेरा कैसे होगा? जल्दी तुम्हें फिर बनवा दे। नहीं भी बनवा के देंगे तो कोई बात नहीं, कौन सा मैं शौहर के साथ रहती हूँ जिसे पहन पहन के दिखाऊंगी। मैं करती हूँ भाभी। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, रोज ही तो करती हूँ। लेकिन अभी तो भाई आया मैं ना, आप उनके पास बैठे। कोई बात नहीं, मंसूर अभी कुछ दिन इधर ही है। नहीं भाभी, मैं करती हूँ ना, अम्मी ने भी कहा है कि आपकी मदद करूँ। है कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मेहमान हो इस घर में। वैसे भी अम्मी बता रही थी कि तुमने इस घर में बहुत काम किया है। ठीक है, मैं रोटी बना देती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। किस बात का? आपने अपने सारे जेवर मुझे दे दिए ना, उसके लिए।